हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम का सेट नंबर 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास बोनाफाइड। ऑप्शंस हैं जेन्युइन, स्ट्रॉन्ग, सिंसियर या फिर चीप। बोनाफाइड होता है वास्तविक या फिर आप कह सकते हैं सद्भावना, मतलब जो रियल हो। ठीक है, जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन भी क्या होता है? वास्तविक यानी कि रियल। सिंसियर, सिंसियर होता है ईमानदार। चीप होता है सस्ता। और स्ट्रॉन्ग होता है बलवान या मजबूत। ठीक है, तो इसमें आप बोनाफाइड का सिनोनिम बताना था। तो बोनाफाइड होता है वास्तविक रियल, तो यहाँ पे सिनोनिम आएगा बोनाफाइड का जेन्युइन। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? जेन्युइन। अगला देखिए, डिस्क्रीट, चार्मिंग, टैक्टफुल, डिफरेंट, इनकंसिडरेट। ठीक है, एक डिस्क्रीट होता है DISCRET, एक डिस्क्रीट ये भी होता है CRETE। ये डिस्क्रीट का मीनिंग होता है अलग, यानी कि डिफरेंट। ओके, तो ये जो है ये अलग है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्क्रीट का मीनिंग होता है विचारशील। ओके, उसके बाद देखिए चार्मिंग, चार्मिंग क्या होता है? आकर्षक होता है। डिफरेंट सबको पता ही होता है कि डिफरेंट क्या होता है, विभिन्न या अलग कह सकते हैं। इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट होता है अविवेकी। एक सेकेंड, इनकंसिडरेट मीन्स अविवेकी। टैक्टफुल, टैक्टफुल होता है विनम्र। ओके, और डिस्क्रीट क्या था? विचारशील, तो वो विनम्र भी ही हो सकता है डिस्क्रीट में, तो यहाँ पे सिनोनिम जो आएगा वो आएगा टैक्टफुल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मॉडरेट। और ऑप्शंस है मॉडेस्ट, गाउडी, एम्बेलिस्ट, एलाब्रेट। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम। ओके, और यहाँ पे मॉडेस्ट देखिए, मॉडेस्ट भी क्या होते हैं? मॉडेस्ट होता है मामूली। एम्बेलिस्ट, एम्बेलिस्ट होता है अलंकृत, यानी कि सजा हुआ। ओके, गाउडी, गाउडी मीन्स भड़कीला। एलाब्रेट विस्तृत। तो यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम क्या बनेगा, देखते ही पता लग रहा है कि मॉडरेट का सिनोनिम बनेगा मॉडेस्ट, मीन्स मामूली और मध्यम, मीडियम। ओके, तो आंसर आएगा मॉडेस्ट। अगला देखिए, डोकाइल, ओबीडियंट, वीक, फ्रिटर्न्ड या सिक। डोकाइल होता है विनम्र। ओके, विनम्र होता है वीक, सबको पता ही होगा कि वीक मीन्स कमजोर। सिक क्या होता है? बीमार होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका। ओबीडियंट, ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, तो ये भी इसका नहीं होगा, नहीं यही होगा इनफैक्ट। और फ्रिटेंड होता है डरा हुआ। ओके, तो इनको देखने से पता लग रहा है कि इसका सिनोनिम क्या आएगा, ओबीडियंट आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डोकाइल का सिनोनिम क्या होगा? ओबीडियंट। नेक्स्ट है हार्श, हार्श मीन, सॉरी एक मिनट, हार्श, हार्श मीन होता है परेशान करना, तंग करना। ठीक है, तो परेशान करना लिख सकते हैं इसे, तंग करना लिख सकते हैं, या मुसीबत में डालना, परेशानी में डालना, तो हार्श वही होता है। प्रेस क्या होता है? प्रेस होता है दबाव। ठीक है, दबाना या कुचलना। ठीक, डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट होता है बदनाम करना। उसके बाद है रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन होता है नियंत्रित करना। ट्रबल देखिए, ट्रबल होता है मुसीबत में डालना या परेशानी, तो यहाँ पे हार्स का जो सिनोनिम क्या बनेगा, वो बनेगा ट्रबल। ठीक है, हार्स का सिनोनिम है ट्रबल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉजिकल, लॉजिकल मीन तार्किक। ओके, इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं रिस्पॉन्सिव, रैशनल, एजुकेटेड, इम्प्रॉपर। रिस्पॉन्सिव होता है उत्तरदायी।
ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो सुना ही हुआ, रिस्पॉन्सिव यहीं से आया, रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी किसी चीज़ के लिए। एजुकेटेड शिक्षित होता है, तो ये भी नहीं बनेगा इसका। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है तर्कसंगत। इम्प्रॉपर, एक प्रॉपर होता है उचित ढंग से, यानी कि तो उसका अपोजिट क्या होता है? इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित, उचित अनुचित बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुचित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा रैशनल। लॉजिकल का सिनोनिम क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एम्बिशाई, इल्यूमिनेशन, एसेनाइन, असेंशन या रियलिटी। यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग है ये मिस्टेक है, ये होता है IMBECILE, यानी कि ई की जगह जो है आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा एम्बिशाई। इम्बेसाइल होता है मूर्ख। ठीक है, इम्बेसाइल मीन मूर्ख। उसके बाद देखिए इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मीन्स होता है रोशनी। असेंशन होता है अधिरोहण या आरोहण बोल सकते हैं, आरोही तो आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, चढ़ता क्रम जिसे बोलते हैं हम, उठाव बोल सकते हैं या चढ़ाव बोल सकते हैं इसको। तशेंसन होता है अधिरोहण या आरोहण। ओके उसके बाद रियलिटी क्या होता है? वास्तविकता होता है। तो ये भी देखिए, इनको देखने से पता लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि रोशनी और मूर्ख का कोई रिलेशन नहीं, अधिरोहण मूर्ख का नहीं, वास्तविकता मूर्ख का नहीं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो एसिनाइन बनेगा। एसिनाइन क्या होता है? एसिनाइन होता है मूर्ख। ठीक है, एस तो देखा ही आपने, एस मीन गधा कहते हैं मूर्ख को। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से आया एस से एसिनाइन। तो राइट आंसर यहाँ पे इम्बेसाइल का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? एसिनाइन बनेगा। नेक्स्ट है मास्टरी। मास्टरी के ऑप्शन देखिए, मिस्ट्री, वेटी, अथॉरिटी या वीकनेस। मास्टरी होता है, मास्टरी होता है अधिकार, आधिपत्य, श्रेष्ठता कह सकते हो, श्रेष्ठता, अधिकार या फिर आधिपत्य। तो इसमें देखिए मिस्ट्री है, मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य या राज कहते हैं जिसे। वेटी वजनी हो, जो जिसमें वजन ज्यादा हो तो उसे वजनी बोल देते हैं, वजनदार। वीकनेस, अभी वीक पढ़ा हमने कमजोरी, तो वीकनेस क्या हो जाएगा? कमजोरी, सॉरी, वीक क्या होता है? कमजोर, तो वीकनेस कमजोरी। उसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? अधिकार या अधिकारी। तो मास्टरी का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? अथॉरिटी बनेगा। ओके नेक्स्ट देखिए, पार्सिमोनियस, रिलेटिव, कंपेनियन, कैलकुलेशन, माइजर। पार्सीमोनियस जो होता है वो होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करता है। ठीक है, मितव्ययी कह सकते हैं या फिर कंजूस कह सकते हैं यहाँ पे, किफायती। ठीक है, जो देखकर जो है पैसे को खर्च करे हर एक चीज को, तो वो क्या होता है? कंजूस होता है, मितव्ययी होता है। तो पार्सीमोनियस मीन्स कंजूस। यहाँ पे देखिए, अब रिलेटिव पता है हमें क्या होती है, अपनी या रिश्तेदार बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कंपेनियन क्या होते हैं? जो साथ काम करें, सहयोगी, साथी। ओके उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या होता है? गणना करना, तो ये भी नहीं होगा। माइजर क्या होता है? माइजर होता है कंजूस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? माइजर आएगा, पार्सिमोनियस का सिनोनिम। ओके लास्ट देखिए, लास्ट है विरासिटी। ऑप्शंस है फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम या लॉयल्टी। ठीक है, विरासिटी क्या होता है? अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम इजिली जो है यहाँ से आंसर बता सकते हैं। विरासिटी होता है सच्चाई या फिर सत्यता। ठीक है, अब यहाँ से सच्चाई का पता चल गया, मीन्स ट्रूथ होगा इसका सिनोनिम, तो आंसर आएगा ट्रूथ। अब हम देख लेते हैं फ्रीडम क्या होता है। फ्रीडम होता है आज़ादी। लॉयल्टी, लॉयल्टी होता है ईमानदारी। और विजडम क्या होता है? विजडम होता है बुद्धिमानी या अक्ल कह सकते हैं, समझ कह सकते हैं, बुद्धिमानी कह सकते हैं। ओके तो यहाँ पे विरासिटी का सिनोनिम क्या बनेगा? ट्रूथ बनेगा। तो अगर हमें पता है मीनिंग कि वर्ड का मीनिंग क्या है, तो हम इजीली यहाँ से सिनोनिम एंटोनिम निकाल सकते हैं। ओके तो ये था सेट नंबर 2, 10 क्वेश्चंस सिनोनिम के। थैंक यू सो मच।